सो हे गाइज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल गाइज। तो सबसे पहले ये वीडियो क्लिप्स को देखो गाइज। तो ये वाली जो वीडियो क्लिप्स है गाइज, ये वाली जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है गाइज, मिलियंस पे व्यू गया गाइज। और ये वीडियो हालांकि यहाँ पर पीसी से एडिट किया गया है गाइज, बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस टाइप का वीडियो को तुम कैसे अपने फ़ोन से एडिट कर सकते हो गाइज। तो इंटरेस्टेड है इस टाइप का वीडियो एडिटिंग, तुम्हें भी सीखना है अपने फोन से, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो कर देर से लाइक, और हमें चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो चले गए वीडियो करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, अपना जो कैपकट एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना गाइस, और देन न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके अपना जो वीडियो है उसको ऐड कर लेनी है। सो मैंने यहाँ पर जो वीडियो मैं ऐड करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, ये रहा वीडियो। सो देख सकते हैं गाइस, ये रहा हमारा वीडियो, और ये वीडियो को मैंने पहले ही एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है उसको डिलीट कर दिया, मतलब कट कर दिया बोले तो। और यहाँ पर गाइस, मैंने यहाँ पर इसको मेरा जो लाइटिंग सेटअप है या तो फिर मेरा बैकग्राउंड उतना सही नहीं है जो कि वीडियो में आप लोगों ने देखा था, ठीक है। बट इसमें भी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, जैसे कि तुम्हें अगर कोई भी अच्छा बैकग्राउंड के साथ बनाना है वो भी प्रोसेस सेम रहेगा, मतलब कि प्रोसेस सेम रहेगा। आपको बनाना सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हो आसानी तरीके से। सबसे पहले अपना वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, मतलब वीडियो को ऐसे करके शूट कर लेना कुछ इस टाइप से, उसका स्लो मोशन दे देना, साउंड के अकॉर्डिंग आपको स्लो मोशन दे देना। मैंने यहाँ पर साउंड को ऑलरेडी यहाँ पर मर्ज कर दिया है, और अगर आप मर्ज नहीं किए तो ऑडियो वाले ऑप्शन पर जाके और यहाँ पर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन पर जाके जो सॉन्ग है सॉन्ग के साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया। ओके, अब तुम्हें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ से हमारा वीडियो कुछ इस टाइप से है, अभी तुम्हें क्या करना है, ये वाली वीडियो को यहाँ से डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट। ओके, और ये डुप्लीकेट वाली वीडियो को ओवरले पे ले आना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट वाली वीडियो को ओवरले पे लेके आता हूँ, देन यहाँ से इसको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ले आना है, ठीक है। अभी इसको टच करना है, थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा स्लाइड, और रिमूव बीजी का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, कस्टम रिमूवल ऑटो रिमूवल दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो तुम्हें कस्टम रिमूवल पर टच करना है। इसमें तुम यहाँ से देख भी सकते हो कि तुम्हारा कैसे बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है, यहाँ पर ऑटो रिमूवल वाले ऑप्शन पर टच करके मैं इसे डन कर देता हूँ। मतलब यहाँ से देख सकते हो अप्लाइंग वन फीचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली मतलब कि बैकग्राउंड को रिमूव करने स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट जो एडिटिंग को करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन को क्लिक कर लेना ये, और यहाँ से अपना जो मैं पीएनजी ऐड करने वाला हूँ वो पीएनजी को ले आना है। सबसे पहले तो ये त्रिशूल वाले पीएनजी को ले आता हूँ, और त्रिशूल वाले पीएनजी को लेके थोड़ा सा बड़ा करना, बड़ा करना, और इसका जो पीएनजी का जो ड्यूरेशन है वो वीडियो का लास्ट तक ले जाना है। ओके, लास्ट तक लाने के बाद यहाँ पर आपको की फ्रेमिंग करना है, एक की फ्रेमिंग यहाँ देना है और लास्ट वाली में की फ्रेमिंग देना है यहाँ पर। ओके, और इसको त्रिशूल को ऊपर की ओर ले जाना है जितना दूर तक आप चाहोगे, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ तक लाना है और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, अभी हो गया। अब क्या करना है, ये त्रिशूल को लेना है, और तब तक हमारा जो वीडियो का बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है, त्रिशूल को लेना है और यहाँ थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर लेयर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और इसको आपको सेंड टू बैक कर देनी है। सेंड टू बैक करोगे तो ये हमारा वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो। अभी क्या है कि हमारा जो वीडियो है वो सही से यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ, एडजस्ट बोले तो यहाँ पर आगे से कट हो गया, तो इसको सही से एडजस्ट कर लेना। ओके, यहाँ से टाइमलाइन को अच्छी तरीके से मैच कर लेना क्योंकि थोड़ा सा क्रॉप हो गया था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही हो गया, अभी ये चीज़ सही हो गया देखने को देख रहा होगा। और अगर तुम्हें चाहिए कि थोड़ा सा त्रिशूल स्पीड में बाहर निकले तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन पर आना है और स्टार्टिंग वाले ऑप्शन पर आना है, ये भी सही है। ये स्लो निकलेगा तो ज़्यादा मतलब सिनेमेटिक लग रहा है, तो मैं इसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पीड निकालना है तो तुम दोनों के बीच में यहाँ जो इफ़ेक्ट है इसको यूज कर सकते हो, इस टाइप का इफ़ेक्ट को, तो ये बहुत ही सही लगेगा, ठीक है। अभी बैक करना, अभी नेक्स्ट इफेक्ट लगाना है यहाँ पर, एड इफेक्ट ओवरले पे चलना है, और तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, वीडियो वाले ऑप्शन है ये श्री राम वाला चक्कर है ये चक्र, और इसको यहाँ पर ऐड करना, और इसका स्प्लाइस वाले ऑप्शन पे चल के यहाँ पर आपको इसको फिल्टर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना। ओके, और इसको ऐसे जूम करना, जूम करने के बाद यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मास्किंग पे ऑफ जाना है,
यहाँ पर मास्किंग मिल जाएगा ऑप्शन, ये मास्किंग पे ओके। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल। सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे करके सेट कर देना एकदम बराबर ढंग से। उसके बाद इसको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पे, लेयर वाले ऑप्शन पे, और इसको यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना। तो ये तुम्हारा वीडियो मतलब आपका वीडियो के पीछे चल जाएगा ओके। और तुम्हें ये वाली जो है ट्रैक को यहाँ से सेट करना है बीच से, ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लुक के साथ दिखे। यहाँ से ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, इन एनिमेशन में जाके यहाँ पर एक एनिमेट कर देना है, एनिमेशन अच्छा वाला दे देना है, ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सही लगे। ये देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, तब तक एक्स्ट्रा पार्ट जो भी रहेगा इसको कट कर देना, या तो फिर अगर तुम्हारा जैसे मेरा लेयर में छोटा पड़ जा रहा है ये, तो इसको सही करने के लिए थोड़ा सा स्पीड को इसको घटा देना, तो तुम्हारा ये वीडियो के एग्जैक्ट पॉइंट तक आ जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट जो भी बचेगा इसको यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर देना। अब फिर से इन एनिमेशन पर चलना है, और एनिमेशन बोले तो यहाँ पर कौन सा एनिमेशन देना है, जैसे ये अनटोल्ड, ये वाली स्मोक इफेक्ट वाली मैं इफेक्ट लगा देता हूँ ओके। तो तुम्हें कौन सा इफेक्ट लगाना देख लो अपने अकॉर्डिंग। मैं बोलूँगा फेड इन या स्मोक इफेक्ट लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा इस इफेक्ट के ऊपर ठीक है, तुम्हें यूज कर लेना यहाँ पर ओके। यहाँ पर आप क्या करना है, जैसे कि ये वाला हो गया सो गाइस, आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और ऐड वाले वाले ऑप्शन पे चलना, और एक वीडियो मतलब लिरिक्स टाइप का एक वीडियो है इसको पहले ऐड करना, इस फ्लाइज वाले ऑप्शन पे चलना, फिल्टर पे लगा देना ओके। अभी तुम्हारा कुछ इस टाइप से दिखेगा, इसका साउंड को भी ऑफ कर देना है, और ये वीडियो के अकॉर्डिंग लास्ट तक दिखना चाहिए। ये देखो देख लास्ट तक दिख रहा है, तो इसको यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को जो भी बच रहा है इसको हटा लेनी है ओके। अभी तुम चाहो तो इसका जो पोजीशन है ठीक है, इसका पोजीशन इसको नीचे की ओर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर भी लगा सकते हो, सो तुम्हारा सही लगेगा दिखने में। तो ये अभी थोड़ा सा इधर हो गया और बीचों बीच सेंटर पॉइंट पर आ गया ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। और अब तुम्हें यहाँ पर मैं जो इन एनिमेशन है इसको सही करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। तो ये देखो यहाँ मैंने फेड पर लगा दिया है। अभी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी करना है, सबसे पहले तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ पर एक बार ठीक है। सो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो तुम्हें बैक करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट को एक लेना है, सॉरी ये न्यू प्रोजेक्ट को लेना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट करी है, उस वाली वीडियो को लेना है। देन वीडियो हमारा कुछ स्टेप से अभी बन के तैयार हो गया है, एंडिंग वाली पोजीशन को भी डिलीट कर देना है यहाँ से। और अब यहाँ पर आता है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग अभी करोगे तो तुम्हारा जो कलर ग्रेडिंग है वो एक्यूरेट सारे जो एलिमेंट्स है, सारे जो इफेक्ट है एक साथ सभी जगह पर अप्लाई हो जाएंगे, तो ये सही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद किया। यहाँ पर फिल्टर को भी यूज कर सकते हो, तुम अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर लेना ये चीज़। मैं अपना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ताकि मेरा बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे मस्त और एडवांस लेवल के फिल्टर्स अवेलेबल है, तुम अगर फिल्टर्स नहीं लगाना चाहते तो तुम चाहो तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो फ़िल्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं लगा लेता हूँ, ये जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जो भी है कलर करेक्शन वो सही कर लेता हूँ, और थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के ये जैसे यहाँ से अभी एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे तरीके से ब्राइटनेस को ओके, कॉन्ट्रास्ट लेवल, और यहाँ सेचुरेशन को सही से सेट कर लेना, शार्पनेस को और क्लियरिटी को ओके, डन कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा तुम्हें, जो कि बहुत जन को पता ही नहीं कि कैसे यूज के लिए होता है, ये रीलाइट। ये रीलाइट अभी तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर, और रीलाइट में क्या होता है कि कोई एक दिशा से मतलब रे इफेक्ट जिसको कहते हैं, रे इफेक्ट को जैसे यूज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर मेरा अभी थोड़ा कनेक्शन डाउन हो गया, इसी कारण से नहीं हो रहा, तो तुम चाहो तो इसको अप्लाई करके वीडियो को और भी अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। सो अगर तुम्हें आता है तो जरूर से कर लेना, अगर नहीं आता तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, हालांकि अभी मेरा चल नहीं रहा है। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट करना वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चे में पहली बार जुड़े तो वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।